दौरा करके आ गए, दिल्ली में मुलाकात हुई है। दो दिन का दिल्ली दौरे था, हालांकि किसी नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सभी लोग चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। साथ ही दिल्ली चुनाव के हम लोग उत्तर पूर्वी लोकसभा में एक दिन चुनाव प्रचार किए। दिल्ली में भी बहुत ही अच्छा माहौल है इंडिया गठबंधन की, और दिल्ली के सातों सीट पर इस समय कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और दिल्ली में जबरदस्त इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की माहौल है। राजस्व मामले में बहुत सारे पेंडिंग है प्रदेश में, मंत्री कह रहे हैं राजस्व मंत्री की 6 महीने में निकालेंगे। अब नई नई सरकार है, अब सरकार बनने के बाद इनको तो कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करने में और उसके बाद शराब पे रेट बढ़ा इनको फुर्सत नहीं है, तो राजस्व मामला ये कब निपटाएंगे। दुर्भाग्य कि सरकार बनने के बाद 5 महीने अधिक हो गए, उसके बाद भी अभी तक नहीं निपटा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये नक्सलियों से पुनर्वास नीति को लेकर सजा मांग रहे, कल आपने कहा कि घुटने टेक दिए, क्या मतलब? देखिए सीधा सीधा सवाल है कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का आखिर क्या योजना है, क्या नक्सल नीति इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाए। नंबर एक, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। क्या अभी तक नक्सलियों से बातचीत हुआ है? क्या क्या अभी तक युद्ध विराम हुआ है? क्या क्या अभी तक नक्सलियों से कोई चर्चा हुई है? क्या स्पष्ट करे इस पे फिर वो पुनर्वास पे बात करे। देखिए नक्सल नीति पे ही विरोधाभास है, कभी केंद्र सरकार अलग बोलती है, केंद्र गृह मंत्री अलग बोलते, तो कभी राज्य के गृह मंत्री अलग बोलते, कभी मुख्यमंत्री अलग बोलते। नक्सल नीति पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज है, और दुर्भाग्य ये है कि पुनर्वास नीति पे उनसे सुझाव मांग रहे, क्या सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? क्या क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं है? क्या अच्छा है सरकार चलाने का भी सुझाव मांग लेते। देखिए कोलकाता का मामला है, इसमें मुझे नहीं कहना। लगातार कार्टून जारी करके कांग्रेस के नेताओं पे निशाना जो है साध रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का आने वाला चुनाव में सीधा सीधा साफ साफ हार दिख रही है, इसी का बौखलाहट है कि वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन इस समय पूरे देश में जबरदस्त माहौल है, कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है, और देश में स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और हार सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और उनकी भाषणों पे हार सीधा सीधा साफ छलक रही है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, अगर आरक्षण देना चाहते तो हमारा आरक्षण बिल 1.5 साल से अधिक हो गए राजभवन में पेंडिंग है। डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार, तो अभी तक उन्होंने क्यों उस बिल को पेंडिंग रखा है? मैं सवाल पूछता हूं उनसे, अगर आरक्षण का पक्षधर है तुरंत उस बिल पे उनको हस्ताक्षर करने के लिए निवेदन करना चाहिए ताकि यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के आरक्षण मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बने हुए 5 महीने से अधिक हो गए क्यों मौन है, पूछना चाहता हूँ। अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो प्रधानमंत्री कौन होगा, घमंडिया गठबंधन भी का। देखिए मतलब इसका मतलब वो हार मान लिए,
थी। हाँ, इसका मतलब वो अमित शाह जी हार मान लिए सीधा सीधा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है, स्पष्ट है हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कवर्धा में जगह जगह पिकअप वाहनों में यात्री ढोए जा रहे हैं, हादसा भी हुआ, इसमें कार्रवाई करने की वजह हाल ही में विजय शर्मा गृह मंत्री का बयान आ रहा है कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उस घटना के बाद सरकार को एक्शन मोड में आना चाहिए। सरकार को आने वाले इतनी बड़ी घटनाओं पर रोक लगा लेकर उनको पहल करना चाहिए, लेकिन इस पे ध्यान ना देकर राज्य सरकार केवल वसूली में लगी हुई है ताकि इस तरह के कई और बेगुनाह का जान जा सके। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्या ब्लैकमेलर है मीडिया? वो कुछ मीडिया के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि मान लिया ऐसा, ये शायद उसको भारतीय जनता पार्टी उसको गलत तरह से मुख्यमंत्री उसको गलत तरह से उसको पेश कर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद अगर भाजपा जीतती है तो शेयर बाजार पीक पे होगा, अगर जीतती है तो मतलब साफ साफ है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शेयर मार्केट डबल उछाल रहेगा पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में 1,000 करोड़ देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पोस्टर जारी किया कि ये जो राशि वो कांग्रेस के समय का है, फिर राहुल गांधी के सवाल उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार विज्ञापन नहीं देती है? क्या विज्ञापन का पैसा कहाँ से पेमेंट होता है, कहाँ से पेड होता है, पहले सरकार स्पष्ट करे। निश्चित रूप से जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं उनको बचाव के लिए और वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को तेजी से पहल करना चाहिए। अभी तो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्रों में हम लोग चुनाव प्रचार करके जरूर आ रहे हैं। अमित शाह आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे। अभी अमित शाह ममता बनर्जी को लेकर कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पे लगा रही है। अब ये पश्चिम बंगाल का विषय।